आपके पॉलिटेक्निक और सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में बहुत ही बड़ा अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी छात्रों के लिए निकल कर के आया हुआ है। BTUP ने भी जो है यह मान लिया कि 7 जनवरी से आपके एग्जामिनेशन को कराना संभव नहीं है, और BTUP जो है यह स्वीकार करते हुए BTUP के सचिव जो है आप सभी पॉलिटेक्निक छात्रों के बारे में क्या बात किए हैं, एग्जामिनेशन के बारे में उन्होंने क्या बताया है, नए एग्जामिनेशन डेट को, नए टाइम टेबल को कब जारी करेंगे, नए टाइम टेबल में आपकी परीक्षाएं किस डेट से होंगी, सारी बातों को उन्होंने यहां पर डिटेल में बताया हुआ है। दोस्तों देखिए यहां पर न्यूज़पेपर में बताया गया है कि छात्र बोले हो रहा मजाक, हमारा फेल होना तय। बिल्कुल दोस्तों, अगर छात्रों की क्लासेस नहीं चलेंगी, छात्रों के सिलेबस को पूरा नहीं कराया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि छात्र जो है वह खुद को बोलेंगे कि BTUP बोर्ड जो है हमारे साथ जो है मजाक कर रही है, बिना पढ़ाए, बिना पढ़ने का टाइम दिए, बिना क्लासेस चलवाए, बिना सिलेबस को पूरा करवाए। तो इस स्थिति में दोस्तों पॉलिटेक्निक के सभी छात्रों का फेल होना तय था। यह बोला गया है कि बैकफुट पर सचिव बोले परीक्षाएं 25 से। दोस्तों जब यहां पर छात्रों द्वारा कंप्लेन किया गया, कॉलेजों के द्वारा भी सचिव जी को, BTUP बोर्ड को बताया गया कि छात्र अभी आपके एग्जामिनेशन को देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो इसके संबंध में सचिव जी क्या बोले, क्या आपके एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी को दिए। देखिए बताया गया है कि सोशल मीडिया पर छात्रों के विरोध के बाद परिषद बैकफुट पर आ गया है। परिषद के सचिव FR खान ने कहा कि वेबसाइट में अपलोड परीक्षा कार्यक्रम संभावित हैं, सिलेबस पूरा कराए बिना परीक्षा नहीं होगी, विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 जनवरी से कराई जाएंगी। दोस्तों जैसा कि बहुत सारे छात्रों ने टाइम टेबल को आते ही सोशल मीडिया पर BTUP बोर्ड का और इस नए टाइम टेबल का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था, पॉलिटेक्निक छात्रों को यहाँ पर राहत भरी खबर जो है प्राप्त हो चुकी है। अब आप सभी छात्रों को लगभग 1 महीने का समय फिर से प्राप्त हो चुका है। अब आप सभी छात्र जो है जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे या फिर जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाए थे, वे छात्र जो है अब मेहनत से पढ़ाई करें। दोस्तों ऐसे में छात्रों को जो है तैयारी करने के लिए क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता होती है, बुक्स के PDF की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ आपको नोट्स की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों 1 महीने में आप जो है सारे चीज़ों की व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम आप सभी छात्रों को क्वेश्चन बैंक्स, बुक्स और नोट्स के PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं और करवा भी चुके हैं। तो ऐसे में आप अपने विषय का डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।